नमस्कार, रागीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगती है। खीर बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, आधा कटोरी शक्कर, आधी कटोरी चावल। हमने बर्तन में 1 लीटर दूध डाल दिया है और जब ये एक बार खौल जाए, जब एक बार उबल जाएगा तब हमको इसमें चावल डाल देना है। देखिए हमारा दूध अब उबल गया है, एक बार उबल गया है, अब इसे कम कर लीजिए, इसका फ्लेम कम कर लीजिए और आप यहाँ चावल डाल दीजिए जो हमने भिगो दिया था, धो के रखा हुआ था वो डाल दिया हमने इसमें। आपको इसे तब तक चलाना है जब तक ये दूध अपनी एक्चुअल क्वांटिटी से आधा ना हो जाए और बीच बीच में इसे स्टर करते रहें ताकि ये बैठे ना। आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चावल पूरे तरीके से कुक नहीं करना है, सिर्फ 70% ही आपको कुक करना है। जब ऐसा हो जाए हमारा खीर ऑलमोस्ट आधा हो जाए, जितने हमने क्वांटिटी ली उससे आधा हो जाए, अब हमें शक्कर इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। हमेशा याद रखिए कि जब भी दूध ऐसा जमता जाए यहाँ पे बर्तन के आसपास तो आपको उसे ऐसे करके अंदर डाल देना है ताकि उससे हमारी खीर और गाढ़ी बने। देखिए हमारा खीर बन के रेडी है, कितना गाढ़ा गाढ़ा खीर बना है। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और अब हम इसे बंद कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी खीर रेडी हो गई है बनके, अब हम इसे बोल में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।